सरहद से समुद्र तक चीन को पटकनी देने की तैयारी। चीन को नापने की रॉ ने कर ली पूरी तैयारी। चीन के जासूसी जहाज को श्रीलंका ने दी थी एंट्री। सरहद पर भारत को दादागिरी दिखाने के लिए तरह तरह की चालबाजियां करने वाला चीन अब समंदर में भी भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा। चीन के जासूसी जहाज के श्रीलंका पहुंचने के बाद से ही भारत अलर्ट पर था। जहां हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की चौकसी बढ़ गई, तो वहीं भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ भी घटनाक्रम पर बराबर नजर बनाए हुआ है। बिगड़ते हालात के बीच रॉ के मुखिया समंत कुमार गोयल पिछले दिनों कोलंबो पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे के अलावा देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सागला रत्नायके से भी मुलाकात की। श्रीलंका की वेबसाइट टाइम्स ऑनलाइन की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई। चीन का जासूसी जहाज युआंग वांग 516 से 22 अगस्त तक त्रिन कुमाली बंदरगाह पर था। इस जहाज को चीन का सबसे खतरनाक जासूसी जहाज करार दिया जाता है। जहां तक जहाज रुका, वहां से चीन की सेना बहुत आसानी से भारत की तरफ से होने वाले किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट का पता लगा सकता था। भारत की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताई गई थी। चीन के इस शिप का इतना विरोध क्यों, जरा ये भी जान लीजिए। चीन के इस शिप को स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग में महारत हासिल है। चीन युआंग वांग क्लास शिप के जरिए सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM की लॉन्चिंग को ट्रैक करता है। चीन के पास इस तरह के 7 शिप है जो पूरे प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में काम करने में सक्षम है। रॉ चीफ ने श्रीलंका की सरकार से क्या बातचीत की, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार गोयल ने सुरक्षा से जुड़े मसले को राष्ट्रपति विक्रम सिंघे के सामने उठाया था, जिसमें से एक युआंग वांग 5 का मसला भी शामिल था। भारत की तरफ से श्रीलंका की सरकार को कई ऐसे दस्तावेज मुहैया कराए गए थे जिनमें ये साफ साफ बताया गया था कि चीनी जहाज भारत की सेनाओं की जासूसी करने के मकसद से आ रहा। भारत के विरोध के बावजूद श्रीलंका ने 16 अगस्त को इस जहाज को एंट्री करने की मंजूरी दे दी थी। चीन जहाज की वजह से भारत और श्रीलंका के रिश्तों में खासा तनाव आ गया। भारत ने हमेशा से श्रीलंका में चीन की मौजूदगी पर आशंका जाहिर की है। भारत की आपत्ति पर चीन ने पलटकर जवाब दिया था। चीन ने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा है कि कुछ खास देश चीन की वैज्ञानिक खोज को सफल होते नहीं देखना चाहते और सामान्य संपर्क में बाधा डाल रहे हैं। साथ ही वो चीन और श्रीलंका के बीच आपसी सहयोग को भी प्रभावित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।